चुप रहने का अधिकार है। जो कुछ भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम अपनी सुरक्षा के लिए अभी और आगे एक वकील रख सकते हो। अगर पैसे ना हो तो इस सरकार वकील रखेगी। अपने अधिकार समझ गए? तो तुम मुझे मारोगे नहीं? अपने अधिकार मुझे नहीं मारोगे, समझ गए? अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, समझे? तुम्हें मुझे मारना ही चाहिए। उसने कहा था तुम मुझे मारोगे। उसने? वो कौन? मैं नहीं जानता। उसने मुझे जेल से फोन किया था। उसने कहा था अगर मैं ये करूं तो मुझे छोड़ देंगे और घर वालों को पैसे मिलेंगे। क्या करने पर? क्या करने मैं पर? बोल, मैंने तुम्हारे बेटे को मारा, समझे? तुमने मेरे बेटे को मारा? देखो, मुझे नहीं मारोगे तो घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा, समझे? ये तस्वीर कैसे मिली? ये नकली है, उसने मुझे दी थी। बस एक 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 बात सुनो, तुम ये बताओ कि ये किसकी साजिश है? मुझे नहीं मालूम। मैं फिर पूछता हूं तुमसे, ये सब किसने? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। यकीन करो, मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। कांच बताओ मुझे। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो। पिस्तौल छोड़ो, मेरी बात सुनो। पिस्तौल छोड़ दो, छोड़ दो। शाबाश, पिस्तौल छोड़ दो। मुझे मारोगे नहीं। अलविदा करो। रुको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बच्चों को मारने वाला तस्वीरों को इस तरह छोड़ के क्यों जाएगा? शायद एनटन ने तस्वीरें निकाली हों। तुम पहले कौन से विभाग में थे? हिसाब किताब। बेवकूफ, हत्या।